मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इंडोमेट्रियम थिकनेस का, जिसकी चिकित्सा अभी अपने देश में नहीं है। यूरोपियन पद्धति से 10-15% चिकित्सा अपनाई जा रही है, लेकिन उसका सक्सेस रेट इतना कम है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस साइंस को आप समझो, आप खुद चिकित्सक बनो, तब जाके आप सक्सेस रेट अपने आप में 100% कर सकते हो। लेकिन वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं कोई लाइन छूट ना जाए, नहीं तो इतनी अच्छी जानकारी शायद ही आपको कहीं मिल पावे। तो ये प्रैक्टिकल जो हमने किया है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि मैंने 1000 पेशेंट पे क्या प्रैक्टिकल किया है। तो मित्रों ध्यान से सुनिए, इंडोमेट्रियम थिकनेस को हिस्टरोस्कोपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे IVF से भी कवर हो जाता है, लेकिन 10-15% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। यह पद्धति पूरी तरह भी डेवलप नहीं है मित्रों पहले तो जो कारण है इसको आप रूल आउट कर लो। मित्रों ठीक होने के लिए आपको एक जुनून जज्बा समाज में आने का होना चाहिए, तभी आप 100% चिकित्सा मैं आपको दे पाऊंगा, आप सक्सेस हो पाएंगे। तो मैं ऐसे फीमेल को कंसीव करा दिया हूँ जिसका 2 mm तक एंडोमेट्रियम था। आपको चिकित्सा पद्धति बताने जा रहा हूँ, कलम ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वह साइंस आप खुद हैं, वो शक्ति आप में खुद है, बस आपके पास एक जुनून होना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को मजबूती के साथ मित्रों पेश करो। पहन तो इसका भी कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से है, क्योंकि सारे हार्मोन्स को रोशनी देने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो सर्वप्रथम योगा बताने जा रहा हूँ मित्रों, सर्वप्रथम योगा है अलोम विलोम कपालभाति, कम से कम 30 मिनट। उसके बाद मंडूक आसन, लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, ये तो होगा योगा हो गया मित्रों। फिर है होम्योपैथी दवा बताने जा रहा हूँ मित्रों, इसको भी नोट कर लीजिए। जिंको बाइलोबा 30 CS ESBL हो या जर्मन हो, जो भी हो, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम। दूसरी दवा है बाइबर्नम SBL 7 बूंद सुबह 7 शाम को, हो सके तो 3 बार ले लेना 1 चम्मच पानी में। कलकेरिया फॉस आपको 12 X में लेना है, इसको 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को आपको चूसना है। फिर आपको प्रातः व शाम को खाने के पहले कस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लें। गर्म करने के बाद फर्टिलिटी मसाज को कम से कम 1/2 घंटे आपको करना है मित्रों। फिर आपको दूसरी दवा बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे इंडोमेट्रियम थिकनेस को लाइन को बढ़ाता है, ब्लड को फ्लो करता है, जो मेन भूमिका अदा करता है, वह है 500 ग्राम अलसी, 500 ग्राम सफ़ेद तिल, इसमें गोंद भी मिला लेना जिससे लड्डू बन जाए, थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, 100 ग्राम मिलाकर बना लें। प्रातः शाम 1 लड्डू खाना है। मैं फीमेल जिसका 2 mm था उसको कंसीव करा दिया हूँ, मात्र 3 माह 100% कंसीव का रिजल्ट दे दिया हूँ। तो मित्रों आपको कामयाबी 100% मिलेगी तो मुझे खुशी मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपकी कदम चूमेंगी, आप निराश मत हो। 1000 पेशेंट ठीक किया हूँ, लेकिन आप अपने आप में खुद ठान लो कि हमें डॉक्टर साहब ने 1/2 घंटा बताया तो मैं 1 घंटा करूँगा। ये जज्बा अगर आपके अंदर हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि आपका इंडोमेट्रियम लाइन 3 माह में ठीक भी हो जाएगा, कंसीव भी 100% कर जाएंगे मित्रों। तो कतई लापरवाही ना कीजिए, जज्बा के साथ आइए, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस चिकित्सा पद्धति से, इस योगा से आप कंसीव होना ही होना है।
लेकिन ये है कि ये पद्धति अगर आपको सूट कर गई तो आप अपने हित मित्र या किसी को कम से कम शेयर हमारे वीडियो को करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमें भी शक्ति मिले, हमें भी खुशी मिलती रहे, सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। नमस्कार।